के आगे दो धर्म की दीवार ऐसी टूटी कि मानो गंगा जमुना तहजीब का जीता जागता मिसाल बन गया। जी हाँ, हम भागलपुर के ऐसे मुस्लिम परिवार की बात आपसे साझा करने वाली हैं जो पिछले तीन पीढ़ियों से माँ दुर्गा के सामने उनकी प्रतिमा के पास सहनाई का वादन करते आ रहे हैं। बता दें कि भागलपुर में हिंदू धर्मावलंबियों के साथ साथ एक मुस्लिम परिवार ऐसा भी है जो पिछले तीन पीढ़ियों से बूढ़ानाथ मंदिर प्रांगण में माँ दुर्गा की प्रतिमा के पास माँ जगजननी को खुश करने के लिए शहनाई वादन करते चले आ रहे हैं। बताया जाता है कि माता रानी ने पिछले 100 वर्ष पहले इस मुस्लिम परिवार की झोली खुशियों से भर दी थी। तभी से इस मुस्लिम परिवार को ऐसी आस्था जगी कि दो धर्म की दीवार मानो टूट सी गई। यह मुस्लिम परिवार नवरात्रि में सुबह शाम भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर में कई पीढ़ियों से शहनाई का वादन करते आ रहे हैं और अपने इस पुरखों की परंपरा को उस्ताद इल्लिला खान के परिवार ने अभी तक संजोए हुए हैं। माता रानी के प्रति इन परिवारों की अपार आस्था है। शहनाई की धुन से ही साधक और आसपास के लोग जागते हैं, मानो शहनाई की आवाज से सवेरा हो रहा हो। जरा आप शहनाई वादन करते इस मुस्लिम परिवार को ही सुनिए कि वो इस विषय में क्या कुछ बता रहे हैं। हम यही कहेंगे कि इल्लिला खान को जो भी मिला है यहाँ से मिला हुआ है, इल्लिला खान का नाम यहाँ से हुआ है और इल्लिला खान हमारे भाई भी लगते थे, वो हमारे समधी भी लगते थे। उन्होंने यहाँ जो है बहुत अच्छा बजाया, बहुत बढ़िया नाम कमाया। हम भी रहने वाले बनारस के हैं, भाई भी थे समधी भी थे हमारे और उनसे थोड़ा बहुत सीखा भी है। बहुत अच्छा मतलब उनका संबंध। ये एक एकता का भाईचारे का संदेश जाता है, क्या कहेंगे और लोगों से? यही कहेंगे कि वो बहुत एक अच्छे आर्टिस्ट वो थे, बहुत बढ़िया कलाकार जो लोगों का दिल जीत लिया है। आपका परिचय? हमारा जहांगीर हुसैन नाम है, उनके समधी हैं। कितने सालों से यहाँ पे? हम तो ज़्यादा दिनों से नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये इल्लिला खान तो आपको वो मालूम हुआ कि लगभग 40 साल से यहाँ बजा रहे हैं। हम ज़्यादा दिन से हम नहीं आ रहे हैं। से मेरे पिताजी यहाँ जो है शहनाई बजाते थे और ये जो है हमारी पारंपरिक प्रा है और इस हिसाब से जो है जब तक हम लोग का जीवन है इस चीज़ को लेकर चलते रहेंगे, शैली को लेकर चलते रहेंगे जो है। आपने इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म को जोड़ दिया, जी ये एक मिसाल कायम कर रहे हैं आप। जी और लोगों से क्या कहेंगे जो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म धर्मों के बीच बहुत ज़्यादा अलगाव करते हैं, इसे कैसे देखेंगे आप? कि धर्मों के बीच जो लोग अलगाव करते हैं उनका अलग ही कुछ जो है सिस्टम होता है, लेकिन जो है संगीत का कोई धर्म नहीं होता है। संगीत अपने आप में एक अलग पहचान रखता है सर। इस परंपरा को जहाँ तक हो सकता है हम लोग लेकर चल रहे हैं जो है। नवरात्रि का समय चल रहा है, कौन कौन से राग को आप लोग प्रस्तुति देते हैं? ऐसे बहुत सारे राग हैं, राग भैरवी है जो है, बागेश्वरी है जो है, कल्याणपुरी है जो है, बहुत सारे राग का यहाँ से प्रस्तुति की जाती है। तो आपने इन्हें सुना कि वो तीन पीढ़ियों से इस परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं। बता दें कि उस्ताद इल्लिला खान शहनाई वादन में महारत हासिल कर चुके हैं, इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है। वहीं आपको बता दें कि माँ की आराधना में शहनाई वादन कर परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और पिछले तीन पीढ़ियों के लोग 40 वर्षों से इस परंपरा को जोगे हुए हैं। 2017 में उस्ताद इल्लिला खान की मृत्यु के बाद उनके भाई नजारकत अली काजिम हुसैन जहांगीर हुसैन और उनके बेटे शाहिद हुसैन, उनके बहनोई साजिद हुसैन, बड़े भाई जाकिर हुसैन और भतीजा आजम हुसैन ने इस परंपरा को अभी भी बरकरार रखा है।
शहनाई वादन के समय राग भैरव, राग भैरवी, राग दुर्गा, राग बागेश्वरी, राग दरबारी जैसे कई रागों में पूरा मंदिर परिसर और आसपास के इलाके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।